तो दोस्तों एक बार फिर से आपका एक वीडियो में वेलकम है। और अभी बिल्कुल जस्ट यहाँ पे एक रसल स्वाइपर बैठा था और यहाँ शैतूत के पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पे बच्चे तोड़ रहे थे। तो जस्ट मैंने अभी बोला यहाँ पर कि यहाँ पर शैतूत का मतलब नीचे देखे रहो क्योंकि यहाँ पर रसल स्वाइपर हो सकता है। क्यों कहा था कि नहीं अभी और बस ये बताए हुए मेरे मुश्किल से 1 मिनट या 30 सेकेंड हुए थे और वैसे ही रसल स्वाइपर नज़र पड़ी। और शायद मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वो आकर के यहाँ ऊपर बैठा हुआ है और मैं परेशान नहीं करूँगा इसको और कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ दिखाना चाहूँगा आपको रसल स्वाइपर को। ये देखिए दोस्तों, ये है रसल स्वाइपर जो कि अपनी जगह पे अपनी मान में बैठ गया है छुप करके। और ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पर ये बैठा रहे यही सही है क्योंकि इनको परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं परेशान नहीं करूँगा। ये देखिए दोस्तों, पैटर्न पहचान लीजिए दोस्तों, ये है रसल स्वाइपर। पैटर्न अजगर की तरह दिखता है इसलिए लोग इसको अजगर भी कह देते हैं, लेकिन ये अजगर नहीं, ये रसल स्वाइपर है। तो मैं इसको यहाँ पे निकालूंगा नहीं और ना ही इसको छेड़छाड़ करूँगा, इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। और हलचल होने लगी है तो ये थोड़ा सा सांस भरने लगा है, यानी कि इसको पता चल गया कि कुछ करीब करीब ख़तरा है। तो अब इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे यहीं पर। और ये देखिए बगल में कुआं है, ये देखिए कुआं, ये बाग के अंदर जो कुएं होते हैं उसी के पास में यहाँ पर गड्ढा टाइप का है, यहीं पे बैठा हुआ था। बड़ी अच्छी जगह है यहाँ पर देखिए, और ऐसी सूखी जगहों पर, हटो बेटा हट जाओ, 1 मिनट, ऐसी सूखी जगह पे दोस्तों देखिए, ये पत्ते सूखे सूखे पड़े हैं। जहाँ पे रसल वाइपर पाए जाते हैं तो वो ऐसी जगह पर ही मिलते हैं, सूखे पत्तों में बैठे होते हैं और कभी कभी पत्तों के नीचे बैठ जाते हैं और इस तरह से आपका पैर पड़ सकता है और एक ख़तरनाक बाइट हो सकती है जिससे आपकी जान जा सकती है। तो ऐसी जगहों पर ध्यान रखिए कि नीचे जो कदम रखें थोड़ा सा तेज़ रखें, यानी वाइब्रेशन पैदा हो और देख करके जाएं। तो दोस्तों उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें आगे ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे। हट जाओ बेटा यहाँ से, हट जाओ सब लोग।